हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम नोट्स डिस्कस करेंगे, पर कौन सी क्लास के, कौन से सब्जेक्ट के, कौन सा चैप्टर। सो क्लास नाइन्थ की साइंस की बुक का चैप्टर नंबर टू के नोट्स को डिस्कस करेंगे। पार्ट वन है इस वीडियो का, पार्ट टू बहुत जल्द आ जाएगा। देखिए, अगर हम बात करें सबसे पहले मैटर की, तो मैटर टू टाइप्स के होते हैं। पिछली वीडियो में मैटर पढ़ के आ चुके हैं कि मैटर होते क्या हैं। तो मैटर टू टाइप्स के होते हैं, प्योर एंड मिक्सचर। प्योर में भी टू टाइप्स होते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एंड मिक्सचर में टू टाइप्स होते हैं, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस। ठीक है, होमोजेनस क्या होते हैं, जिनमें कंपोनेंट्स जो हैं, जो होमोजेनस में कंपोनेंट्स होते हैं उनके, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जैसे कि एयर, उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं कंपोनेंट्स, जैसे कि नाइट्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ एलॉय की, अलॉय क्या होता है, मेटल और नॉन मेटल से मिलने वाली चीज़ को अलॉय कहा जाता है। तो इसमें भी मेटल अलग है, नॉन मेटल अलग है, तो उससे नई चीज़ बन रही है। ठीक है, तो अलॉय भी इसका एग्जांपल हो सकता है। हेट्रोजिनस की बात करें तो उसमें कंपोनेंट्स इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं, जैसे कि भेलपूड़ी या मिनरल। ठीक है, इन दोनों की बात कर सकते हैं। भेलपूड़ी देखी होगी आपने, तो आप उससे कंपेयर कर सकते हैं हेट्रोजिनस को। नेक्स्ट बात कर रही हूँ मैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन भी एक मिक्सचर होता है, ठीक है, जो दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट से मिलकर होता है, बना होता है। ठीक है, सॉल्यूशन जो है वो सॉलिड हो सकता है। अगर मैं बात करूँ सॉलिड में, तो आपका एलॉय, ठीक है, एलॉय अभी मैंने आपको ऊपर बताया। एलॉय में कौन सा, ब्रोंज। ब्रोंज एक सॉल्यूशन हो सकता है। लिक्विड में बात करें तो सी वाटर। ठीक है, सी वाटर कैसे, सी वाटर आपने देखा है, वाटर होता है और उसमें साल्ट होती है। ठीक है, और गैस में बात करें तो एटमॉस्फेयर, अभी मैंने आपको बताया, ऊपर ही एयर एटमॉस्फेयर की बात हुई वो। ठीक है, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखिए टू टाइप से मिलकर बना होता है। ठीक है, सॉल्यूशन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, सॉरी, सॉल्यूट से और सॉल्वेंट से। सॉल्यूट वो होता है जो कम अमाउंट में चीज़ प्रेजेंट होती है, और सॉल्वेंट वो जो ज़्यादा अमाउंट में होती है, और सॉल्वेंट में हम सॉल्यूट को डालते हैं। ठीक है, उससे आपका सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूशन के थ्री टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स। ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, कोलाइड्स क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। And if you want the next part of this video, so comment us in comment section. And तब तक के लिए हमारी videos को like करते रहिए, channel को subscribe करते रहिए, and अपने friends के साथ share करिए। बस 10 subscribers more, ठीक है, 10 subscribers और रह गए हैं 150 subscribers complete होने में, तो please 10 subscribers भी जल्दी से जल्द करा दीजिए। So मिलते हैं अपनी next video में। Thank you for watching.